الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों और किड्स मत निशन के नाजरीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है जी हाँ प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है किसी को मालूम है? डर क्यों रहे, मालूम तो होगा आप सबको। इस प्यारे से प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक भी होती है, हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं और कलाम भी होता है और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ भी होती हैं और आपसे सवाल भी होता है जो कि हम दुरूद पाक के बाद आपको सवाल भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दुरूद पाक की फजीलत फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम यानी आपस में मिलें और मुसाफा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो इनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। के प्यारे बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और आज का सवाल है सैफुल्ला किस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब है? सैफुल्ला किस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब है? सैफुल्ला किस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब है? तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام sallallahu alayka ya ya rasul allah wa sallam alayka ya وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کر بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کر بنایا ہم بھی تمہارے کو تیرا آسرا بتایا ہے خدایا
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और हमें बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, सैफुल्लाह किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लकब है? सैफुल्लाह किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लकब है? सैफुल्लाह किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लकब है? चले कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं हूँ गुलाम हुद अत्तारी, तो शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। मेरे नबी सल्ले अला, मेरे नबी सल्ले अला, प्यारे नबी सल्ले अला, दर पे बुला लो हमको भी, प्यारे नबी सल्ले अला। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आज नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद अत्तारी, तो शरीफ से मैं आँखों का तारा नाम मुहम्मद, दिल का उजाला नाम मुहम्मद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। जज़ाकल्लाहु खैरा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? आसान सवालात। प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम, और सेगमेंट का क्या नाम है? आसान सवालात। तो टीम रेडी है? और टीम भी चले। टीम में सवाल है आपसे, इस्तिखारा के क्या मायना है? ऑप्शंस, भलाई मांगना या पानी मांगना या दुआ मांगना। जी भलाई मांगना। भलाई मांगना जी, माइक पे बताए ना। भलाई मांगना। भलाई मांगना, चले आप बताए। भलाई मांगना। सवाल है इस्तिखारा का क्या मीनिंग है, और ये कह रहे हैं भलाई मांगना। आप बताए, आपको क्या, आप क्या कहते हैं इस्तिखारा का क्या माना है? माइक पे बताए ना। भलाई मांगना। भलाई मांगना, जी हाँ प्यारे बच्चों, इस्तिखारा का क्या मायना है? भलाई मांगना। इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, कौन सी इबादत अदा करने का सवाब 20 गजवात में शिरकत करने से भी ज्यादा है? ऑप्शंस, नमाज जुमा, दूसरा ऑप्शन है फर्ज हज, और तीसरा रोजा। आप बताए। फर्ज हज। फर्ज हज जी। फर्ज हज। फर्ज हज, आप क्या कहते हैं? फर्ज हज। फर्ज हज, इनका जवाब दुरुस्त है। खुशी नहीं हो रही? हो रही है, तो सुभान अल्लाह कहने सारे मिलके जल्दी से सुभान अल्लाह। टीम है सवाल है आपसे, जी हाँ प्यारे बच्चों, गजवात, गजवा की जमा है। गजवात क्या है? गजवा की जमा है, और गजवा उस जंगी लश्कर को कहते हैं जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हों। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है भाई। टीम में सवाल आपसे, माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभानअल्लाह, इन में से कौन सा कलमा पढ़ने से जन्नत में दरख लग जाता है? बताए। सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह जी। माइक में बताए, माइक बराबर। सुभानअल्लाह। सुभानअल्लाह जी। सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, सुभानअल्लाह कहेंगे ना, इनका जवाब दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो की अम्मी जान का नाम बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो की अम्मी जान का नाम बताएं। ऑप्शंस, हजरत मारिया किब्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, या हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, या हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप बताएं। हजरत मारिया रदियल्लाहु अन्हा जी। हजरत मारिया रदियल्लाहु अन्हा।
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا چلیں آپ بتائیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتے ہیں مائک میں بتائیں نا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپشن تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپشن تھا اور تیسرا آپشن تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے کیا کہا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب درست ہے سارے مل کے کیا کہیں گے سبحان اللہ ٹیم میں سوال ہے آپ سے وحی میں نازل ہونے والا سب سے پہلا کلمہ کون سا ہے آپشنز اقرا یا اللہ یا الحمدللہ جی اقرا اقرا جی اقرا اقرا کیا اقرا جی اقرا اقرا پکی بات ہے جی ہاں ان کا جواب درست ہے سوال یہ تھا وحی میں نازل ہونے والا سب سے پہلا کلمہ کون سا ہے اور جواب کیا ہے اقرا تو ان کا جواب تو درست ہو گیا نا تو سبحان اللہ کہیں گے جی ہاں سبحان اللہ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے نماز فجر میں سنت موقع کتنی ہے آپشن دو نہیں آپشن دو نہیں چلے بتائیں دو دو اور فرض چار نماز فجر میں تو دو فرض ہوتے ہیں نا جی آپ بتائیں دو دو سنت موقعہ ہیں دو فرض ہیں لیکن ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہی مائک دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی مائک لینا چاہیے جی آپ بتائیں نماز فجر میں کتنی سنت موقع دو سنت موقع دو فرض جی ہاں دو سنت موقع ہوتی ہیں فجر میں اور دو رکعت فرض ہوتے ہیں ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم اے سوال ہے آپ سے مصر سے نکلتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے کتنے خاندان تھے آپشنس ہیں بارہ گیارہ یا دس آپ بتائیں بارہ 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 کتنے ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں بارہ بارہ ہوتے ہیں اگر میں کہوں ٹویلو تھے ٹویلو تھے ٹویلو تھے اور کہوں بارہ تھے فرق نہیں ہو جائے گا آپ بارہ کہہ رہے میں ٹویلو کہہ رہا ہوں انگلش اردو کا فرق ہے اچھا انگلش اردو کا فرق کیا ہے چلے آپ بتائیں بارہ 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 اچھا آپ بتائیں بارہ سوال یہ ہے مصر سے نکلتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے کتنے خاندان تھے آپشن تھا دس گیارہ اور بارہ انہوں نے کیا کہا بارہ اور ان سے غلطی نہیں ہوئی ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا سنت ہے آپشنس بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا آپشن استغفر اللہ اور تیسرا آپشن یکفر اللہ لنا ولکم آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ بھی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں آپ بھی بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رہے گا آپ بھی بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں پیارے بچوں وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اگر اس نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے وضو سے پہلے تو انشاءاللہ عزوجل ثواب بھی ملے گا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ٹیم اے برابر ٹیم بی بی برابر ہے تو اب کیا کرنا چاہیے کورس لے لیں یا پروگرام کو آگے بڑھائیں ایک کال لے لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوال ہے سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی باتیں ہمارا اسلام ہمارا اسلام چلے ٹیم میں کوئی اچھی بات بتائیں آپ بتائیں کوئی اچھی بات ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے جی آپ بتائیں گھر میں جاتے وقت سلام کرنا چاہیے جاتے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت
घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए। माशाल्लाह जी, आप बताएं। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये तो हो गया ना, आपने क्या बताया? अच्छा, आपने सीधा कहा था हर काम से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए जी। ठीक है, आप बताएं कोई अच्छी बात। चलें आप बताएं पहले। सीधे हाथ से लेना चाहिए, पानी रोशनी से पीना चाहिए। जी हाँ, पानी रोशनी में पीना चाहिए। माशाल्लाह जी, आप बताएं। पानी बैठ के पीना चाहिए। अच्छा चलें ठीक है, आप बताएं। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। आप बताएं। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। कोई दूसरी बातें भी लाए ना, ये भी अच्छी बातें हैं। सीधा हाथ ही चल रहा है, वैसे ये भी अच्छी बात है। कोई नई बातें लाए ना? नहीं, चले आप बताएं। हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है जी, आप बताएं। पानी उजाले में देख कर पीना चाहिए। वही रोशनी और उजाले की बात है। दूसरा बताएं। हमें माँ बाप का अदब करना चाहिए। और कोई बताएंगे आप? मैं बड़ों की बात माननी चाहिए। जी आप बताएं। इन्हें माइक दें। घर में सबसे पहले सीधा पांव रखना चाहिए। जी हाँ, ये प्यारे बच्चों अच्छी अच्छी बातें हमने शामिल की। चले कुछ कॉल से प्रोग्राम में दोबारा शामिल करते हैं। मेरा नाम आयशा तागिया बिनते अबू बकर है। मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगी। सुना सुना। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हर पर के सल्ले आला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, झूम के कह रही है बादे सवा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, नेक्स्ट। मैं नंसलाई कुस्मान तरी में लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात का शेर सुनाऊंगा। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। हमजा भी सुनाना एक शेर इसका। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दोनों जो चाहो दोनों जगह की, दोनों जो चाहो दोनों जगह की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। नूह खलीला मूसा ईसा, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर से एक नाजरीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी, और प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारा इस्लाम। और सेगमेंट का क्या नाम है? कैलेंडर एक्टिविटी। तो टीम ए, टीम बी को मालूम है इसमें क्या होता है? मालूम है। तो टीम ए से पहले कौन आ रहे हैं? टीम ए से पहले कौन आ रहे हैं?
क्यों नहीं आएंगे? चले टीम भी आप ही आ जाए, टीम है नहीं आ रही, चले आप में से कोई आएगा आप आ जाए। सवाल है आपसे, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किस ज़माने में, किसके ज़माने में 4000 से ज़्यादा मस्जिदें तामीर हुई? बोरा कैलेंडर उसके अंदर जवाब है। कैलेंडर नंबर 1, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसके ज़माने में 4000 से ज़्यादा मस्जिदें तामीर हुई? आप थोड़ा इस साइड आ जाएँ, सीधा की तरफ आ जाएँ। खुलफा राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसके ज़माने में 4000 से ज़्यादा मस्जिदें तामीर हुई? जी माइक दीन। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इनका जवाब दुरुस्त है। हर सहाबी ए नबी सब सहाबियात भी हर सहाबी ए नबी सब सहाबियात भी हज़रत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी उस्मान गनी फातिमा और अली हैं हसन हुसैन भी वालदे ने नबी हर जो जाए नबी है मुआविया भी और अब सुफियान भी जन्नती जन्नती। टीम बी अब आएंगे, टीम ए अब आएंगे, आप में से कोई कौन आएंगे? अच्छा सवाल है, अरबी जबान में कौन से फल, अरबी जबान में कौन से फल को तुफाह कहते हैं? कैलेंडर नंबर 2 ये रहा, इसके अंदर जवाब है। अरबी जबान में कौन से फल को तुफाह कहते हैं? तुफाह, आप थोड़ा सीधे हाथ की तरफ आ जाएंगे तो कैमरा से दिखा सकेगा। इस साइड सेब, इस साइड आ जाए, इस साइड आ जाए। जी सेब, क्या सेब खाना है आपने? नहीं, फिर क्या सेब कह रहे हैं आप? सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। जी सवाल ये था, अरबी जबान में कौन से फल को तुफाह कहते हैं? कौन से फल को कहते हैं? सेब को। इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम बी आ जाएं आप। सवाल है, कौन सी सूरत है, वो कौन सी सूरत है जिसमें बार बार फबी ऐची आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आता है? कैलेंडर नंबर 3 पर जवाब है। जब सवाल करूं तो प्यारे बच्चे आप डायरेक्ट कैलेंडर की तरफ चले जाया करें, ठीक है? वो कौन सी सूरत है जिसमें बार बार फबी ऐची आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आता है? जी सूरह इब्राहिम, सूरह माईदा, सूरह आले इमरान, सूरह मुहम्मद, सूरह बलद, सूरह फातिहा, सूरह नूर, सूरह कमर, सूरह जुमा, सूरह रहमान। जी माइक देना। सूरत अर रहमान। जी सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसमें बार बार फबी अजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है? इन्होंने कहा सूरे रहमान, और इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों आपको मालूम है फबी अजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तर्जुमा क्या है? मैं बताता हूँ आपको, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत छुटलाओगे? और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम बी या ए? टीम बी है भाई, ए जाग रहे ना आप लोग, आप लोग टीम है। कौन आ रहे हैं आप में से? आप आ जाए। सवाल नंबर 4, आप कैलेंडर की तरफ चले जाएं, मैं आपको सवाल बताता हूँ। सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई? हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई? मुहर्रम, शव्वाल, रबीउल अव्वल, जुमादल उला, ज़ुलक़ादा, शाबान,
रबीउल आखिर सोच लें, सोच लें। सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई? आप कह रहे हैं रबीउल आखिर में, सोच लें, आपको मौका दे रहे हैं, अगर गलती है तो दुरुस्त कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात किस महीने में हुई? ज़ुलहज्जा, सफ़र, शवाल, मुहर्रम, सफ़र, ज़ुलहज्जा, रबीउल अव्वल, जुमादा अल-उला, ज़ुलक़ादा, रबीउल आखिर, शाबान, रबीउल आखिर। रमज़ान मुबारक, रबीउल आखिर फाइनल। जी नहीं, आपसे गलती हो चुकी है, जवाब जो दुरुस्त है मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जवाब तो दुरुस्त नहीं है, मैं आपको दुरुस्त जवाब बताता हूँ, और जवाब है जुमादल उखरा। क्या जवाब है? जुमादल उखरा। आपसे गलती हो चुकी है, तशरीफ रखें। तो टीम ए और टीम बी, टीम बी आपने कितने जवाब दिए? दो, और दोनों दुरुस्त दिए। और टीम ए आपने कितने जवाब दिए? दो, और एक गलत हुआ और एक सही हुआ। चले एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मरियम है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसे मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मत नहीं चले गए नाजरीन, अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? एक ही सेगमेंट रह गया है ना, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। प्यारे बच्चों थक गए? नहीं थके तो फिर आवाज तो निकाले ना। सेगमेंट का क्या नाम है और प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम और सेगमेंट का क्या नाम है? बॉक्स एक्टिविटी। तो टीम ए से पहले कौन आ रहे हैं? टीम ए वाले घबरा गए। टीम बी आप बताएं, आप में से कौन आ रहे हैं पहले? चले आप आ जाए। जी टीम ए, टीम ए के मेंबर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि टीम ए के मेंबर कौन सा बॉक्स खुलवाते हैं, उसमें क्या सवाल निकलता है और ये क्या जवाब देते हैं, जवाब दुरुस्त भी देते हैं या नहीं। माइक दें सीधा से, ये दे माइक इधर आ जाए। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? नंबर फोर। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तरतील के मुतालिक सवाल होगा आपसे। नहीं सवाल आपने नहीं देखना, उस सवाल में बताऊंगा आपको। इधर आ जाए। तरतील का क्या मायना है? तरतील का क्या मायना है? कार्य साहब से पूछ लेंगे अगर नहीं आया तो। आपको तरतील का क्या मायना है? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। चले ऑप्शन दूं, ठहर ठहर कर पढ़ना या स्पीड में पढ़ना या नॉर्मल पढ़ना? माइक में बताएं। ठहर ठहर कर पढ़ना। जी हाँ, तरतील का क्या मायना है? ठहर ठहर कर पढ़ना है। कार्य साहब ठीक है, सही जवाब। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें। टीम ए, टीम ए आप आ जाए, इनके बाद आपको बताता हूँ ठीक है। जी माइक दे दें एक सीधा से, ये ले माइक। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? ये वाला। क्या नंबर क्या लिखा हुआ है? माइक बताएं। थ्री। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर के मुतालिक सवाल होगा आपसे, चिट निकालें। जी सवाल है आपसे, इधर आ जाएं। सर में तेल लगाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। टीम बी आप आ जाएं।
ये ले माइक, इधर आए, बॉक्स का नंबर बताएं। नंबर 5। नंबर 5, माइक में बताएं। नंबर 5। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शागिर्द, आप भी होंगे किसी के, मैं भी शागिर्द हूँ किसी का। अब सवाल है आपसे, सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम किस के शागिर्द हैं, किन के शागिर्द हैं? हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इनका जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो टीम ए, आप में से अब कौन आ रहे हैं? आप आ जाए जी, माइक माइक ले जी। नंबर 6। नंबर 6, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोशिश करें, आप तशरीफ रखें, आपके बॉक्स में सवाल नहीं निकला। टीम बी आ जाए, माइक देना सीधा से जी, माइक। नंबर 2। नंबर 2, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अहकाम के मुतालिक सवाल होगा आपसे, आपको चिट निकालें, सीधे हाथ से निकालें ना जी। सवाल है, नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? अमीर सुन्नत। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहिब। आपका जवाब दुरुस्त है, तशरीफ रखिए। टीम ए, टीम ए आप आ जाए जी। नंबर 7। नंबर 7, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शक्ल लिखा है, शक्ल लिखा है, शक्ल ही है ना। चले सवाल है आपसे, असहाब कहफ रदी अल्लाह ताला अन्हुम का कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा? इंसान की शक्ल में। इंसानी शक्ल में। इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। टीम बी आप आ जाए, आप आ चुके हैं, इस एक में होगा, आप नहीं है। चले माइक लेना आप, माइक में। नंबर 3। नंबर 3, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर के मुतालिक सवाल होगा, एक ही पर्ची है, मैं निकाल लेता हूँ। सर में किस तरफ मांग निकालना सुन्नत है? सर में बीच में मांग निकालना सुन्नत है। बीच में मांग निकालना सुन्नत है। इनका जवाब दुरुस्त है। टीम है, आखिरी सवाल होगा आपसे, कौन आ रहे हैं? आप रह गए, आप भी रह गए, तो आप आ जाए ना। माइक 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 ये ले। नंबर 2। नंबर 2, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अहकाम के मुतालिक सवाल होगा आपसे। सवाल है, लपाक और आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात को क्या कहते हैं? अल्लाह पाक और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चले मैं आपको बताता हूँ, हदीस कहते हैं या शरीयत कहते हैं? माइक बताएं। शरीयत। शरीयत कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है, इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। टीम ए से गलती हुई है? नहीं हुई, लेकिन टीम ए के हक में एक बॉक्स आया था, उसमें था, कोशिश करें। तो इस तरह टीम बी इस सेगमेंट की विनर है। तो वैसे तो बराबर बराबर तो नहीं है, क्योंकि जो पहला सेगमेंट हुआ था उसमें दोनों बराबर थे, फिर दूसरे सेगमेंट में टीम भी आगे थी, और तीसरे सेगमेंट अभी टीम भी आगे है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम के वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ल अपने अगले एपिसोड में, जब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।